हाँ ओके, गुड मॉर्निंग क्लास. द टॉपिक इज द कंजक्शन एंड देयर यूजेस. कंजक्शन एंड देयर यूजेस. वी यस्टरडे वी हैव प्रैक्टिस अबाउट द कंजक्शन एंड टुडे सम एक्सरसाइज ऑफ द कंजक्शन वी विल डू. सो वी विल कैरी फॉरवर्ड द सेम टॉपिक. ओके, वी विल कैरी फॉरवर्ड द सेम टॉपिक फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट इट यस्टरडे. ओके, सो वी हैव कवर्ड जस्ट 5 to 10 पेजेस. During the time, okay, we were in while, last while, so without was the conjunction here. Okay, without was the conjunction here. So without is the conjunction here. The okay, are you getting my voice? Or okay, if you have any query, you can comment in the comment section. Okay, so without, friends, without is the verb which has been combined from the two words, that is with. First is with plus out, with plus out. Okay, it is also used as a preposition. Okay, it's also used as a preposition. Suppose sometimes there would be error in the banking exam. Instead of with, without, he will use the with. Okay, instead of without, he will use it. Okay, इस सेंटेंस में आप ये करके देखो कि देखो यहाँ पे है, प्रीपोजिशन में भी काम आएगा, कंजक्शन में भी ये वर्ड काम आएगा. आई सेल नॉट गो, आई सेल नॉट गो विथ यू डू. कहना चाहता है मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा. ठीक है, आई सेल नॉट गो विथ यू. अब देखो यहाँ पे अगर आपको बैंकिंग एग्जाम में ये एरर आफ्टर सेमीकोलन 3-4 सेंटेंस लिखे हुए और सेमीकोलन से सेपरेट होकर ये सेंटेंस आ जाए तो आपके लिए ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको कि द सेंटेंस इज ऑल राइट, व्हाट इज देयर इज नो काइंड ऑफ द एरर, बट द सेंटेंस इज स्टिल हैज सम काइंड ऑफ द एरर. कैसे है कि इस सेंटेंस में ये एरर है कि यहाँ पे विद वर्ड नहीं विदाउट चाहिए. क्या चाहिए? विदाउट वर्ड चाहिए. कौन सा वर्ड चाहिए? विदाउट. अब देखो यहाँ पे ये कुछ और कंडीशंस के लिए हैं, बिकॉज फॉर सिंस. इन तीनों कंडीशन कंजक्शन में से बिकॉज सबसे कैजुअली कंजक्शन यूज होता है फॉर द वीकेस्ट, सिंस कम्स बिटवीन द टू, और जब इनसे थोड़ा कमजोर है वो सिंस. अगर कहीं कंफ्यूजन रहे कंजक्शन यूज करने में तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? बिकॉज यूज कर सकते हो, सिंपली बिकॉज यूज कर सकते हो. देखो मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको और आप खुद सोचो कि वहां पे क्या यूज होगा. जैसे I did not meet her. एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आपको साफ दिख सके. ओके, देखो यहाँ पे मैं ऐसा सेंटेंस लिखता हूं, I did not meet her. I was ill. देखो कुछ तो दोस्तों इसमें गलती है, कुछ तो इस सेंटेंस में एरर है. देर इज सम काइंड ऑफ एरर कि ये कंजक्शन चाहिए इसको. और ये क्या है? आई डिड नॉट मीट हर, आई वॉज इल. आई वॉज इल इज ए रीजन, एक ये रीजन है. और उसका रिजल्ट क्या आया कि मिला नहीं वो उससे, ये रीजन. ओके, अब इस सेंटेंस को आप कैसे जोड़ सकते हो, कौन कौन से कंजक्शन से जोड़ सकते हो? अब देखो आपको रीजन और रिजल्ट में, सॉरी यहाँ पे रीजन लिख दिया हमने, रिजल्ट. यहाँ रीजन और रिजल्ट में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे अच्छा वर्ड because. I did not meet her because I was ill. अच्छा लग रहा है,
देखो यूज और भी हो सकते हैं, सिंस भी हो सकता है कि आई डिड नॉट मीट हर सिंस आई वाज विल, सिंस की जगह ज्यादा बढ़िया हेंस, हेंस आई वाज विल, ठीक है। ये सारे रीजन रिजल्ट कैटेगरी वाले कंजक्शन है। जैसे और कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पे, विच विच कंजक्शन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ द बिकॉज और हेंस, कौन सा यूज कर सकता हूं कई बार देयरफॉर, ये भी इस सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता, बट देयर फोर एक रीजन रिजल्ट वाली कैटेगरी में आता है कि आई वेंट विथ हिम ही वाज इल, देयर फोर आई वेंट टू मीट हर, ओके। दूसरा दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई इज अनदर सेंटेंस दैट कैन आल्सो बी यूज्ड, दैट्स व्हाई इज कैन आल्सो बी यूज्ड, दैट्स व्हाई भी वही रीजन रिजल्ट कैटेगरी है कि पहला सेंटेंस ऐसा क्यों हुआ, आई डिड नॉट मीट हर, आई वाज इल, इस सेंटेंस को वापस कंस्ट्रक्ट ऐसे करना पड़ेगा, आई वाज इन दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेट हर, ठीक है। तो रीजन रिजल्ट सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बदल सकता है, बट रीजन रिजल्ट कैटेगरी के लिए बिकॉज यूज हो सकता है, हेंस यूज हो सकता है, सिंस यूज हो सकता है, हेंस और सिंस रीजन देने के लिए प्लस टाइम के लिए भी यूज हो सकते हैं। आपने पहले कल ही पढ़ा था कि सिंस का यूज इसलिए होता है, देयरफॉर यूज हो सकता है, दैट्स व्हाई यूज हो सकता है, दीज आर द रीजंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा केजुअली हम यूज कर सकते हैं बिकॉज, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा कंजक्शन यूज करें, बिकॉज कैन बी यूज्ड, बिकॉज आंसर देता है वाई का भी, कि वाई यू डिडंट केम यस्टरडे, तो आप उसका आंसर कैसे देते हो, बिकॉज आई वाज हियर, ऐसे ही देते हो, इसलिए बिकॉज मोस्ट केजुअली यूज्ड कंजक्शन, गॉट इट। चले आगे, देखो अब आपके सामने एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको कंजक्शन देने हैं, ठीक है। अब आपका टेस्ट हो रहा है एक तरीके से कि कौन सा कंजक्शन, जो भी आप आज तक आपने पिछली 2-3 क्लासेस ली है उनका यूटिलाइजेशन, आज तो मैं सिंपल एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, कि सिंपल मतलब उन कंजक्शंस का टेस्ट ले रहा हूं कि कौन से किससे जोड़ते हैं। कल एग्जैक्टली जो मेंस का पेपर आता है IBPS PO और SBI PO का, वहां से क्वेश्चन की एक्सरसाइज रहेगी। सो आपको वो भी आप आराम से कर पाओगे अगर ये आराम से कर पा रहे हो, बिकॉज लेवल तो उससे ज्यादा ही हार्ड है इसका जो अभी एक्सरसाइज आपके सामने, बट पूछने का तरीका IBPS का थोड़ा सा सिंपल है, और ये सीधा सीधा पूछ रहा है, इसको पार्टिकुलर वो चाहिए, वो जो कंजक्शन नीड ऑफ द टाइम है इस सेंटेंस में। जैसे पहला सेंटेंस आई एम द राइट यू आर इन द रॉन्ग, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, आई एम इन द राइट मतलब मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, यू आर इन द रॉन्ग आप गलत जगह खड़े हो, ओके। सो विच कंजक्शन विल यूज्ड, अब देखो मैंने ऐसे आपको करवाया था कॉन्ट्रेडिक्टरी कंजक्शन, कॉन्ट्रेडिक्टरी कंजक्शन का मतलब जब एक कंजक्शन अलग, कंजक्शन से पहले बात कुछ अलग हो, कंजक्शन के बाद में बात कुछ अलग हो, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें करे, देन सच काइंड ऑफ द कंजक्शन आर यूज्ड। ये सेंटेंस कैसा है, आई एम इन द राइट पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा, आई एम यू आर इन द रॉन्ग नेगेटिव, है कि नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे एंड कंजक्शन यूज कर सकता हूँ क्या, आई एम इन द राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी। क्या रीजन रिजल्ट कर सकता हूं, देयरफॉर नहीं, यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करूंगा, बट, कौन सा यूज करूंगा, बट, सही है, आई एम राइट बट यू आर इन द रॉन्ग, मैं तो सही हूं लेकिन तुम गलत हो, ऐसे बोलते हैं, यस, कॉन्ट्रेडिक्टरी भी है ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। द मोस्ट एग्जीक्विजिट वर्क ऑफ लिटरेरी मतलब जो सबसे अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम है, एप्रिसिएबल काम, एग्जीक्विजिट का मतलब द मोस्ट एग्जीक्विजाइट वर्क ऑफ द लिटरेरी आर्ट, लिटरेरी आर्ट मतलब राइटिंग दैट इज पोएट्री और प्रोज, एग्जिबिट्स ए सर्टेन, एग्जिबिट मतलब टू रिप्रेजेंट, टू प्रेजेंट, एग्जिबिट्स मतलब टू प्रेजेंट, ठीक है। मीनिंग अगर क्लियर करते जाओगे, वोकैबुलरी टेस्टेड ए सर्टेन क्रूडनेस, क्रूडनेस मतलब रॉनेस कच्चापन, एंड कोर्सनेस, कोर्सनेस मतलब रफनेस, कोर्स मतलब रफ, और इसका उल्टा होता है, एंटोनिम होता है फाइन, वी टर्न टू इट फ्रॉम नेचर, द मोस्ट एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ द लिटरेरी आर्ट एग्जिबिट्स ए सर्टेन क्रूडनेस एंड कोर्सनेस, वी टर्न टू इट फ्रॉम नेचर। अब आप सोचो खुद कि कौन सा आर्टिकल आएगा, मतलब जैसे ही ये बात कर रहा है कि सबसे जो शानदार
जो सबसे अच्छा कार्य है लिटरेरी और आर्ट का एग्जिबिट, वो भी बताता है, वो भी प्रेजेंट करता है सर्टेन क्रूडनेस और कोर्सनेस रिटर्न टू इट फ्रॉम नेचर. कि अगर मैं कि हम शेक्सपियर, सेल्जा, इवन बड़े राइटर वर्ड्सवर्थ, उनकी पॉइंट्स को भी उठाएं तो पता चलता है कि वो भी कहीं कई जगह नेचर से चीजें लेते हैं. बहुत कच्ची कच्ची चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेते हैं, जैसे सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ, शेक्सपियर की पोइम, बड़ी छोटी छोटी बातों को उसके इंक्लूड किया गया है. तो यहाँ पे जैसा ये कह रहा है उसको फॉलो करता है आना है हमें, तो इसलिए यहाँ पे कंजक्शन यूज होगा एज, एज वी टर्न इट फ्रॉम द नेचर. दूसरा डेट यूज हो सकता है, बट एज वुड बी मोर सुटेबल टू द सेंटेंस. We had not paid his bill. His electricity was cut off. क्या किया था उसने? Not paid the bill. ठीक है, तो यहाँ पे भी word age बड़ा सही है. अब यहाँ पे दो, he had not paid the bill. His electricity was cut off. ऐसा तो आ नहीं सकता कि उसने pay नहीं किया था bill, इसलिए electricity गई. There never can be prosperity. प्रोस्पेरिटी कभी नहीं हो सकती इन एनी कंट्री. ऑल द न्यूमरस कल्टीवेटर ऑफ द सोइल आर परमानेंटली डिप्रेस्ड एंड इंजर्ड. ठीक है, क्या यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज हो सकता है? खुश हो तो कि देयर नेवर कैन बी प्रोस्पेरिटी, वहां प्रोस्पेरिटी नहीं हो सकती, मतलब खुशहाली इन एनी कंट्री. ऑल द न्यूमरस कल्टीवेटर्स ऑफ द सोइल आर परमानेंटली डिप्रेस्ड एंड इंजर्ड. कि जब तक सारे जो भी कल्टीवेटर्स है सोइल, वो परमानेंटली डिप्रेस्ड और इंजर्ड रहेंगे. तो यहाँ पे टिल वर्ड यूज हो सकता है, उस समय तक, टिल ऑल द न्यूमरस कल्टीवेटर्स ऑफ द सोइल आर परमानेंटली डिप्रेस्ड, तब तक कोई कंट्री में प्रॉस्पर्टी नहीं हो सकती. अनटिल या टिल, ठीक है, अनलेस ऑल द न्यूमरस कल्टीवेटर्स ऑफ द सोइल कैन ऑल्सो बी यूज. गिविंग अप रॉन्ग प्लेजर इज नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस. कि खुद को ज्यादा दुख देना, रॉन्ग प्लेजर देना सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं है, लेकिन सेल्फ कल्चर है. सेक्रीफाइस, ये सेल्फ सेक्रीफाइस की बात कर रहा है, सेल्फ कल्चर की बात कर रहा है. तो यहाँ पे वर्ड दोनों अलग अलग हैं. तो कि गिविंग अप रॉन्ग प्लेजर इज नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस, कि जो आप गिव अप कर देते हो, त्याग देते हो उल्टा प्लेजर, मतलब आपका गलत जो शौक पाल रखे उनको, वो सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं है, वो खुद को सिविलाइज बनाना है. तो दोनों बातें अलग अलग है. बट गिविंग अप रॉन्ग प्लेजर इज नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस, बट इट्स ए सेल्फ कल्चर. बट सेल्फ कल्चर तो क्या आएगा? अब देखो, यहां से मैं एंड से जोड़ देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता. वाई? यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म को नोट कर रहा है. ऐसा नहीं सोचना कि सेक्रीफाइस आ गया तो अच्छा है. नहीं, ये कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, कि प्लेजर, सुख को त्याग दे. किसी, समझ लो कि यू आर स्मोकिंग, यू आर एडिक्शन, यू आर हैविंग द एडिक्शन, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, गेमलिंग, एंड आपने वो त्यागा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? कि ये जो स्मोकिंग को त्यागना, वो सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं है कि खुद के सुखों को त्याग रहा है, बट एक सेल्फ कल्चर है कि जो सिविलाइज पर्सन है उसकी कैटेगरी में आएगा. ओके, बट सेल्फ कल्चर, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू गिव एनी काइंड ऑफ द एडिक्शन, वॉट एवर इट मे बी. ओके, that using the more, being addicted to the mobile, you are addicted to the mobile or reels, but ab usko tyagna kitna difficult kaam hai, because it depends upon your consciousness. Chetna pe depend karta hai na aapki, aur sabse the most difficult thing in the life is to control our senses. Next, dekho, acche acche sentence hai. Confirm thyself then to thy present fortune, cut thy coat according to thy cloth. पूरा वर्ड दाई पे खेल रहा है. अब कई बार आपको दाई का मतलब ही नहीं पता, तो इसको कैसे करोगे, इस सेंटेंस को कैसे करोगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू हैव It is very important that here to first understand
दैट वाई वॉट इज दाई सेल्फ, ठीक है। कन्फर्म मतलब एग्री, कन्फर्म मतलब एग्री, एग्री टू समवन या एग्री विथ समवन। कन्फर्म दाई सेल्फ, खुद के साथ एग्री। दाई इज ए ओल्ड वर्ड इन ओल्ड इंग्लिश, करेंटली इट्स रेयर, बट इन बैंकिंग एग्जाम इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। इन बैंकिंग एग्जाम इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स आर हैंग्ड इन द पैसेज एंड यू स्टिक दैट वॉट इट डज इट मीन्स। कहीं पे भी ऐसे वर्ड आए वहीं पे आप कंफ्यूजन कर क्लियर कर लीजिएगा, डिक्शनरी से करो चाहे गूगल से करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है एक दिन कि ये दो वर्ड का मतलब होता है यू, दो वर्ड का मतलब होता है यू, ये वर्ड का मतलब होता है दीज। ये पुरानी इंग्लिश में यूज होते थे, कहीं लेटिन से कहीं ग्रीक से ऐसे आया है। आज भी बैंकिंग एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार दो दो ऐसे देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन में, भले आपको वहां पे भी मतलब समझ में नहीं आता और यहाँ पे भी नहीं आता, बट यू हैव टू क्लियर द डाउट्स। कोई भी अगर आपको वर्ड स्टिक करे दैट आई डोंट नो द मीनिंग, एट वंस एट द टाइम इटसेल्फ यू सर्च इट। कंफर्म दाई सेल्फ मतलब कंफर्म योर सेल्फ, कंफर्म योर सेल्फ। देन टू दाई प्रेजेंट, कि खुद को प्रेजेंट करने के बजाय खुद से एग्री हो जाओ फॉर्च्यून, कि कभी भाग्य को मत कोसो, कभी भाग्य के भरोसे मत बैठो, लक के भरोसे कि इफ इफ जॉब वुड बी इन माय लक और सच थिंग्स वुड बी इन माय लक इट विल कम, ठीक है। कट दाई कोट मतलब कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। राइटर क्या कहना चाहता है कि कभी भी खुद को एग्री मत करो अपने भाग्य के अनुसार, बट खुद को एग्री करो कि जितना आपके पास क्लोथ है उसके अकॉर्डिंग कोट बनाओ, मतलब खुद को फिट करो। कोट आपके साइज के अकॉर्डिंग होता है, ओके। सो द राइटर वांट टू से प्रेजेंट फॉर्च्यून बट कट दाई कोट अकॉर्डिंग। देखो पहले वाली सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव को कौन जोड़ेगा, बट। नेगेटिव और पॉजिटिव को कौन जोड़ेगा, बट। वो बोल रहा है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपनी डेस्टिनी इज नथिंग, ह्यूमन बींग इज सेल्फ क्रिएटर ऑफ इज डेस्टिनी। आदमी चाहेगा तो सब कुछ होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बींग, ओके। समझ में आया। देखो ऐसे हार्ड सेंटेंस दिए जाएंगे आपको, सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने यहां तैयारी कर ली, यहां तैयारी ठीक कर ली कि इस लेवल से प्रिपेयर्ड हो, देन यू कैन गिव आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, फिर वो सेंटेंस बड़े बड़े इजी लगेंगे। देखो कल मैं दिखाऊंगा भी आपको इन द सेम क्लास कि कितना इजी है आईबीपीएस पीओ मेंस का कंजक्शन, जिसको हम अलग अलग चार टॉपिक के नाम पे पढ़ाया जाता है। कोई कनेक्टर्स पढ़ा रहा है, कोई लिंकर्स पढ़ा रहा है, कोई सिंकर्स, कोई स्टार्टर्स। एवरी टॉपिक हैज बीन मेड फ्रॉम दिस ग्रामर ओनली एंड द टॉपिक इज फाइनली कंजक्शन। आप खुद सोल्व कर पाओगे उन सीटों को आराम से, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। पहले बस ये देखना है कि पेपर बना किस हिसाब से। सेवन सेंटेंस पढ़ो तो क्या समझ रहे हो, एक चीज और क्या समझ रहे हो कि नॉट ओनली द ग्रामर इज इंपॉर्टेंट बट द वोकेबलरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज मच एज द ग्रामर इज इम्पोर्टेंट। ग्रामेटिकल स्पॉटिंग एरर में तुम्हारी एरर क्यों हो रही है फ्रेंड्स, बिकॉज यू डोंट नो द यूटिलाइजेशन ऑफ द वोकेब इन द ग्रामर। अब देखो यहाँ पे ये दाई सेल्फ वर्ड ने पूरा सेंटेंस ही खराब कर दिया आपका। पहली पहली मिनट से ये समझ में नहीं आया, देन हाउ यू कैन अप्रोच द सेंटेंस, यस और नो? सो यू हैव टू क्लियर योर वोकेबलरी डे बाय डे। इट्स नॉट लाइक आई वोंट से दैट इट वुड हैपन लाइक द मिराकल दैट द डे यू विल वेक अप एट द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग एंड यू विल लुक आई नो 2000 वोकेबलरी आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन द 190 स्कीम। सो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। पिक 10 वर्ड्स फ्रॉम इन अ डे फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू एंड यूटिलाइज देम इन द सेंटेंस। पिक आउट सम ग्रामेटिकल एरर्स फ्रॉम देम। नाउ मूव टू द सेवन सेंटेंस। इनकंसिस्टेंसी कंसिस्ट इन अ चेंज ऑफ कंडक्ट। इनकंसिस्टी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो लगातार काम करते हैं। एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब हमारी जो आदत होती है, 4 दिन बहुत पढ़े, 5वें दिन छोड़ दिया एंड देन 10 दिन वापस बुक्स को नहीं उठाए, इज ए चेंज ऑफ कंडक्ट। वो क्या होता है, चेंज ऑफ कंडक्ट हमारे बिहेवियर का चेंज है। देर इज नो चेंजेज ऑफ सरकमटेंसेज विच जस्टिफाइड इट। भले तुम चेंज हो जाओ बट सरकमटेंसेज चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल, वेदर यू स्टडी और नॉट,
एग्जाम विल कम माय फ्रेंड्स. हाँ, 2 महीने आगे हो सकता है, बट एट लास्ट यू विल हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू समवन. सो पहली जैसी बात कर रही है, दूसरी बात भी वैसे ही कर रही है. मतलब ये सबोर्डिनेट क्लोज है. मतलब कंजक्शन कैसा आएगा, सबोर्डिनेटिंग क्लोज वाला, कि इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंस चेंज ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो चेंज ऑफ सरकमस्टेंसेस विच जस्टिफाई एज देयर इज नो सर नो चेंज ऑफ सरकमस्टेंसेस विच जस्टिफाई. वो सरकमस्टेंसेस नहीं जस्टिफाई करेंगे चेंजेस इनकंसिस्टेंसी को. हालात बोलेंगे तुमने गलत किया, दैट इज इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी की डेफिनेशन को समझा रहा है, तो जैसा फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है सेकंड भी वैसा है. सो सबोर्डिनेटिंग क्लोज विल बी यूज्ड. इवन वर्ड भी लगा सकते थे, वो भी सबोर्डिनेट क्लोज है. तो कई कंजक्शन एक ही के साथ फिट हो सकते हैं जब तक वो मैच द फॉलोइंग में पार्टिकुलर नहीं दे रहा है. द डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब हेट, डिस्गस्ट मतलब हेट. द हेट फेल्ड टुवार्ड्स एनी काइंड ऑफ नॉलेज इज ए साइन दैट इट इज ए प्री मेच्योरली प्रेजेंटेड, दैट इज प्रेजेंटेड इन एन इनडाइजेस्टिबल फॉर्म. कि द डिस्गस्ट फेल्ड टुवार्ड्स एनी काइंड ऑफ नॉलेज इज ए साइन दैट इट इज ए प्री मेच्योरली प्रेजेंटेड, दैट इट इज प्रेजेंटेड इन एन इनडाइजेस्टिबल. कि जो हेट होती है टुवार्ड्स एनी काइंड ऑफ नॉलेज, कोई ज्ञान है उसके प्रति कोई अगर हमारे अंदर घृणा है, हेट है, दैट इज ए साइन दैट इट इज ए नफरत. क्यों है वो, इज ए प्री मेच्योरली प्रेजेंटेड, क्योंकि या तो वो ज्ञान प्री मेच्योरली प्रेजेंट किया गया है, दैट इट इज प्रेजेंटेड इन एन इनडाइजेसिबल फॉर्म, या फिर वो ऐसे दिया गया है कि हमें नहीं पच रहा है. 2 कारण हो सकते हैं कि या तो वो ज्ञान है वो ढंग से दिया गया नहीं है, या फिर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं. दो ही तरीके, दो ही कारण होते हैं कि हमें ज्ञान लेते वक्त प्रॉब्लम होती है. सपोज वी आर कॉम्प्रिहेंडिंग गीता, गीता पढ़ रहे हैं, तो दो दो जगह प्रॉब्लम हो सकती है. सब लेट टेक्स एग्जांपल ऑफ माय क्लास, आई एम डिलीविंग द क्लास, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स बिकॉज ऑफ द 2 थिंग्स. आइदर मेरा डिलीवरी करने का तरीका सही नहीं है, क्या बोला उसने, प्री मेच्योरली प्रेजेंटेड, ढंग से मैंने प्रेजेंट नहीं किया. सेकेंड, इट्स प्रेजेंटेड इन एन इनडिजेस्टिबल फॉर्म, या फिर ऐसा प्रेजेंट किया है कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया गया, वो अंदर नहीं जा रहा. ओके, तो ऑप्शन दे रहा ना ये, या तो ये या ये. तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली वर्ड ओ. अब वापस पढ़ो कि द डिस्कस्ड फेल्ड टुवार्ड्स एनी काइंड ऑफ द नॉलेज इज साइन दैट इट्स प्रीमैच्योरली प्रेजेंटेड और दैट इट इज प्रेजेंटेड इन इंडिजिबल. अच्छा लग रहा है, तो इधर और की जरूरत नहीं है, केवल और वर्ड भी आ सकता है, केवल नो और वर्ड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ नो नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, दोनों एक ही जैसी बातें कर रहा है. पहले सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस, दोनों में से ऑप्शन है, तो ऑप्शनल कैटेगरी वाला कंजक्शन हो. डू द लर्नेड नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉर्टल्स इनहेबिट बियॉन्ड दोज माउंटेन्स वेयर दे कैन बी इनहेबिटेड एट ऑल. देखो डबल कंजक्शन चाहिए इसको, जिसके अंदर पहला यहाँ पे कंजक्शन दे रखा है वेदर. ठीक है, पहले सेंटेंस का मैं मीनिंग बताता हूं आपको. डू द लर्नेड नो, लर्नेड पर्सन होता है जो लीजेंड है, सीखा हुआ है. क्या जो लर्नेड पर्सन है कि उनको पता होता है व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉर्टल्स, कि मॉर्टल और इमोर्टल दो वर्ड है, इमोर्टल और मॉर्टल. मॉर्टल मतलब होता है जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, वन हु डाइज, जैसे ऐसे सेंटेंस बोला जाता है. मैं इसको इरेज कर देता हूं. ऐसे बोला जाता है मैन इज मॉर्टल, कि मैन आखिर में मृत्यु पाता है. मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, आदमी की मौत हो जाती है. ठीक है, मैन इज मॉर्टल. ओके, अगर मैं बोलूं मैन इज इमोर्टल, कि आदमी अमर है, मैन इज मॉर्टल बट हिज डीड्स, पेंटेप से राइट समझ में नहीं आ रहा था आपको लिखा हुआ. मैन इज मॉर्टल बट हिज डीड्स
आर इमोर्टल, कि आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है लेकिन उसके कर्म वो अमर होते हैं, बोल सकते हैं इसे? ओके, क्या दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। और मोर्टल का मतलब क्या होता है? मोर्टल वन वु डाइज एट लास्ट, जो मृत्यु को प्राप्त होता है। इमोर्टल इज वॉट? वन वु नेवर डाइज, अमर, ठीक है। लाइक कलाम हैज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बी आर अम्बेडकर हैज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट स्टिल वी रिमेम्बर्स कि डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। व्हाई? बिकॉज द मैन हैज गॉन बट देयर डीड्स आर नॉट गॉन, देयर डीड्स आर स्टिल प्रेजेंट ऑन दिस अवर मदर अर्थ, एंटिल द अर्थ विल बी देयर, देयर डीड्स विल बी नॉट टू द पर्सन्स। ओके, लाइक लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा। सो वॉट हेयर वी विल यूज एज डू द लर्नेड नो वॉट सॉर्ट ऑफ द, जैसा कि सीखे हुए लोगों को पता होता है कि मोर्टल जो मरी हुई चीज होती है इनहेबिट, ठीक है, बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, वो रहती है उन माउंटेन्स के पार, और वेदर दे बी इनहेबिटेड इट एट ऑल, और वेदर दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, और की जगह एक वर्ड और लगा सकते हैं एल्स, एल्स वेदर, बट और वेदर की जोड़ी ज्यादा फेमस है तो इसलिए और। वेदर जनरली क्या लेता है? और, ठीक है, जनरली कंस्ट्रक्शन ये रहता है वेदर और, बट यहाँ पे क्या है? और वेदर, ठीक है, कि लोगों को पता है कि जो मरे हुए लोग हैं वो माउंटेन्स के बियॉन्ड रहते हैं, इनहेबिट, वो उनका लिविंग स्थान, जो इनहेबिटेंट्स कहाँ के हो, निवासी कहाँ के हैं, बियॉन्ड द माउंटेन्स, वेदर दे बी इनहेबिटेड हो एटर्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे वहीं हो या कहीं नहीं हो। हिज एम्बिशन वॉज इनऑर्डिनेट, ही वॉज जेलस ऑफ एवरी मैन ऑफ एबिलिटी, कि जो उसकी एम्बिशन थी वो अच्छी नहीं थी, नॉट गुड, है ना, इनऑर्डिनेट, सुटेबल नहीं थी, क्यों? ही वॉज जेलस ऑफ, तो जेलस मतलब क्या होता है? एवरी मैन ऑफ एबिलिटी। देर आर टू टू थिंग्स, वन इज जेलस एंड सेकंड इज एनवियस। एनवियस होती है अगर कोई, दोनों का मतलब ईर्ष्या है, बट ये ईर्ष्या अच्छी वाली ईर्ष्या होती है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सपोज यू आर मिसिंग समथिंग बिकॉज अदर्स हैव दैट, ठीक है, इसलिए। लेकिन किसी दूसरे आदमी को ये देखती है कि वो मेरे से आगे, खुद से कंपेयर करके करे, देन इट्स नोन एज जेलस। जैसे ही वॉज जेलस ऑफ एवरी मैन ऑफ एबिलिटी, ज्ञानी आदमी देख के और खुद को जलन हो जाए, दैट इज एबिलिटी। हिज एम्बिशन वॉज इनऑर्डिनेट, उसके एम्बिशन है वो इनऑर्डिनेट है, ओके, वो सही नहीं है, बट ही वॉज जेलस ऑफ एवरी मैन ऑफ हिज एज, ही वॉज जेलस, क्योंकि रीजन दे रहा है उसका, एज ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके, बिकॉज दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव है तो बट यूज नहीं कर सकते, तो नेगेटिव नेगेटिव रीजन प्रोवाइड कर रहा है, एज विल बी यूज्ड, एज विल बी यूज्ड, गॉट इट? समझ आ रहा है कि हार्ड सेंटेंस में कंजक्शन कैसे आएंगे? फ्रेंड्स, व्हेन एवर द यू विल गिव आरबीए ग्रेड बी एग्जाम, दीज काइंड ऑफ सेंटेंस विल ओनली कम। सो जिनके आपको मीनिंग थोड़ा पता करने पड़ेंगे, जो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एजम्पशन भी लगाना पड़ेगा, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे आ जाएंगे You have never heard about them, but in sentence they gives their meaning. अभी यहाँ पे inordinate आया, तो मैं नहीं पता कि inordinate particularly meaning क्या, but sentence देख के तो ये पता चल रहा है कि अच्छा तो नहीं हो सकता। और ये दो तीन चीजें कंसेप्ट होते हैं कि इन वर्ड आ जाए किसी के आगे तो वो जनरली नेगेटिव होता है या अपोजिट देता है। जैसे कॉग्निजेंस मतलब किसी को जानना, ध्यान में लेना, बट इनकॉग्निजेंस मतलब ध्यान में नहीं लेना, छिपाना, इनकॉग्निटो मतलब हाइड कर देना, कॉग्निटो अपनी आइडेंटिटी बताना, ओके, कॉग्निटिव स्किल्स मतलब लर्निंग बाय वॉचिंग, इनकॉग्निटिव स्किल्स मतलब नहीं पता चल रहा कि जो सीखे नहीं देख के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लॉज आर नो रिस्ट्रेंट अपॉन, मतलब रिस्ट्रेंट मतलब फ्रीडम को कम करना, बाधा, कि नियम है वो बाधा नहीं होती फ्रीडम पे, ऑफ द गुड मैन डिजायर्स नथिंग विच
जस्ट लो विल इंटरफेयर विथ। पहले सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है वो समझो, कि जो जस्ट लॉज मतलब जो न्याय के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो बाधा नहीं है आपकी आजादी पे। कि नियम कहता है कि किसी को गाली मत दो, नियम कहता है किसी की प्राइवेसी भंग मत करो, नियम कहता है कि लिबर्टी से रहे हो और लिबर्टी से रहने दो। तो ये नियम आपको फ्रीडम रोक रहे हैं या नियम है वो या लॉज है वो अच्छे के लिए बनाए गए। द गुड मैन डिजायर्स नथिंग। जो तो नियम कभी भी अच्छे नियम अच्छे आदमी को कभी भी चुभेंगे नहीं, उसको अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट लाइन ये कह रही है कि द गुड मैन डिजायर्स, उसकी इच्छा होती है, नथिंग विच ए जस्ट लॉ विल इंटरफेयर विद। कि जो एक न्याय वाला कानून होगा वो किसी चीज के अंदर इंटरफेयर मेडल नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं करेगा। इंटरफेयर का वो एक सिनोनिम लिख लो फ्रेंड्स, मेडल। मेडल जस्ट लॉज आर नो स्टैंड अपॉन द फ्रीडम ऑफ द गुड, सो द गुड मैन, उसका रीजन दे दो कि इसलिए, सो द गुड मैन, इसलिए गुड मैन कभी डिजायर नहीं करेगा कि जस्ट लॉ नहीं होना चाहिए देश में, कि वो इंटरफेरेंस करेगा आपकी फ्रीडम पे। तो फ्रीडम तो बनी रहेगी अच्छे नियमों के साथ। अगर अच्छे नियम नहीं है तब हो सकता है कि आपकी फ्रीडम छिन जाए। ओके हुआ, आगे चलते हैं। 12th, वी जज आवर सेल्स बाई वॉट वी फील केपेबल ऑफ डूइंग, अदर्स जज अस बाई वॉट वी हैव ऑलरेडी डन। ये बहुत अच्छी कोटेशन है, आप अपने रूम में लगा सकते हो किसी व्हाइट पेज पे, कि हम, और ये है भी सत्य भी है, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, यू एवरीवन कैन ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द हिंदी। कि वी जज आवर सेल्फ, कि हम खुद को जज करते हैं, व्हाट वी फील केपेबल ऑफ डूइंग, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हम हमेशा भविष्य को देखते हैं कि आई कैन क्रैक द एग्जाम, आई कैन बी ए ग्रेट पर्सन, आई कैन बी ए पॉपुलर आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड, ये हम सोचते हैं। इवन आवर पेरेंट्स हैव सम कंसर्न्स दैट व्हाट वी विल डू, बिकॉज दुनिया हमें कैसे देखती है, जज अस बाय व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, पीछे क्या किया है उससे देखती है, आगे क्या कैपेबिलिटीज है दे नेवर लुक, कि हाँ सक्षम किसमें है, ये क्या करने में सक्षम है, दैट वॉन्ट बी लुक, है ना। तो वी जज अवर सेल्फ बाय वॉट वी फील केपेबल ऑफ डूइंग इज ए पॉजिटिव सेंटेंस, अदर्स जज अस वॉट वी हैव ऑलरेडी डन। इसको बट से, कॉन्ट्रडिक्टरी वाले से, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट से जोड़ सकते हैं पहला। दूसरा वेर इज, जबकि, इसका मतलब जबकि हम तो हमको ऐसे तोलते हैं लेकिन दूसरे लोग ऐसे। तीसरा वाइल, वाइल कॉन्ट्रडिक्टरी के लिए भी आता है, वाइल टुगेदरनेस के लिए भी। तो ऑल द थ्री आर इक्वली राइट, बट भी यूज कर सकते हो सिंपल कॉन्ट्रडिक्टरी, वेर एज भी यूज कर सकते हो कि वेर एज अदर्स जजस बाय व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। वाइल भी यूज कर सकते हो कि लोग तो ऐसे करते हैं लेकिन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना कि व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ इज द मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस इज नॉट, वी शुड नॉट कंसर्न एट ऑल, कि हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन अदर्स, व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम, दैट व्हाट सी थिंक्स ऑफ मी, व्हाट ही थिंक्स ऑफ मी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज दैट व्हाट आई थिंक्स अबाउट द सेल्फ, व्हाट आई कैन डू इन द लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके सो मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। पता चला आपको कि कंजक्शन ऐसे यूज कर, कितना भी भारी सेंटेंस हो अगर उसका मीनिंग समझ गए कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कॉन्ट्रडिक्टरी आएगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेटिंग आएगा, दूसरा क्लोज डिपेंडेंट है पहले पे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा, ऐसे हमें करना है और उसका मीनिंग समझना है। माई वर्दी फ्रेंड सर रोजर इज वन ऑफ दोज हु आर नॉट ओनली एट पीस विद देमसेल्व, इज बिलोव्ड एंड एस्टीम्ड बाय ऑल अबाउट देम। कि मेरा जो पहले, someone has commented, you are asking about this sentence, I want to know Mayur, about ये कौन सा टॉपिक, you are asking about the topic, it's a conjunction, it's a conjunction, okay, I got your topic that what you want to ask, it's conjunction, okay,
एंड इन कंजक्शन इन बैंकिंग एग्जाम बैंक पीओ मेनी इन मेंस और प्रीलिम्स द थिंग्स आर आस्क्ड दैट दे विल गिव यू फर्स्ट सेंटेंस दे विल गिव यू सेकंड सेंटेंस एंड यू हैव टू पिक ए ऑप्शन ओके आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द कनेक्टर्स स्टार्टर्स लिंकर्स दैट आर मेड फ्रॉम द कंजक्शन गॉट इट ओके सो नाउ मूव टू द थर्ड 13 सेंटेंस माय वर्दी फ्रेंड सर रोजर इज वन ऑफ दोज हु आर नॉट ओनली एट पीस विद देमसेल्व्स कि मेरा फ्रेंड है जो रोजर वो मेरा ऐसा दोस्त है कि वो खुद के साथ शांति से रहता है मतलब उसको हो अल्लाह पसंद नहीं है उसको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है बिलोवड एंड एस्टीम्ड बाय ऑल अबाउट देम ठीक है एंड बिलोवड एंड एस्टीम्ड देमसेल्व्स एंड बिलोवड एंड एस्टीम्ड बाय ऑल अबाउट देम कि उसको प्यार भी किया जाता है ठीक है उसको प्यार भी किया जाता है उसको एस्टीम भी तो एंड एंड से हम सेंटेंस जोड़ सकते हैं यहाँ पे एज बिलोड भी आ सकता था कि एज और लास्ट में एज और एंड से जुड़ा हुआ है ओके एज बिलोड एंड एस्टीम पर ओके और क्या आ सकता था सो बिलोड एंड एस्टीम बाय ऑल अबाउट इट ओके तो ऐसे छोटे छोटे कंजक्शंस आ सकते हैं फ्लीट्स ऑफ द एनिमी फ्लीट्स होती है जहाज ग्रुप ऑफ शिप्स जहाज द फ्लीट्स ऑफ द एनिमी वर नॉट मेयरली डिफीटेड अब देखो नॉट मेयरली डिफीटेड यहाँ पे ये कैसा है नेगेटिव और ये भी कैसा है नेगेटिव डिफीटेड एंड डिस्ट्रॉय डिफीट भी कर दी गई डिस्ट्रॉय भी कर दी गई ओके एज लॉन्ग एज ही विलियम ऑफ ऑरेंज लिव्ड कोई पर्सन है उसके बारे में बोला जा रहा है ही वॉज द गाइडिंग स्टार ऑफ ए ब्रेव नेशन ही डाइड द लिटिल चिल्ड्रन क्राइड इन द स्ट्रीट तो यहाँ पे सिंपली वेन इंटरोगेटिव टाइप का भी यूज हो सकता है वेन ही डाइड द लिटिल चिल्ड्रन एज ही डाइड भी यूज कर सकते हैं वेन ही डाइड वुड बी मोर बेटर एज ही डाइड भी यूज कर सकते हैं रॉन्ग नहीं है बट यू कैन यूज नो वन लाइक्स पंस एलिटरेशन एंटीथेसिस आर्ग्यूमेंट एंड एनालिसिस बेटर देन आई डू अब ये सारे वर्ड लिए गए हैं फ्रेंड्स लिटरेचर से तो आपके कई बार बैंकिंग एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं दैट यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स ये सारे पोइट्री से पंस एलिटरेशंस एलिटरेशन और पंस ये होते हैं कि किसी को बढ़ा चढ़ा के कुछ कहते हैं ना कि ही इज द स्टार द मोस्ट फेमस मैन ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया रोहित शर्मा तो यहाँ पे स्टार मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऐसे एडजेक्टिव क्या है एलिटरेशन अलंकार हिंदी में बोलते हैं इसको किसी को बहुत ज्यादा शोभा बढ़ाना टू रेस्पेक्ट समबडी बाय द हेवी और लोफ्टी वर्ड्स इज नॉन एज एलिटरेशन एंटीथेसिस मतलब किसी के पहले कुछ सबमिट करवाना रिपोर्ट एंटीथेसिस आर्ग्यूमेंट मतलब एंटी मतलब होता है पहले का और बिफोर एंटीथेसिस आर्ग्यूमेंट एंड एनालिसिस बेटर देन आई डू क्योंकि मेरे जैसे कोई भी पोएट्री नहीं कर सकता एलिटरेशन नहीं कर सकता कोई भी मेरी तरह रिसर्च जो राइटिंग नहीं कर सकता आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता और एनालिसिस नहीं कर सकता आई समटाइम्स हेड रेदर बी विदाउट देम इसने तो इस बार आंसर दे ही दिया हेड रेदर यहाँ पे रेदर क्या है कंजक्शन ओके इफ द गेम ऑफ द फाइव इज द फाइनेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी बेस्ट रिलैक्सेशन फॉर द माइंड कि जैसा कि इट इज द फाइनेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी और यहाँ पे क्या मिसिंग है दोनों ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है कि द गेम ऑफ फाइव्स है जिसके इट इज द फाइनेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी वो फाइनेस्ट एक्सरसाइज है बॉडी के लिए बेस्ट रिलैक्सेशन फॉर द माइंड और माइंड के लिए भी क्या है बेस्ट एक्सरसाइज है पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस सो इट विल टेक एंड एंड द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द रिलैक्सेशन फॉर द माइंड थी उमर खयम एबहोर एबहोर का मतलब होता है हेट किसी से घृणा करना नफरत करना इज एबहोर दूसरा वर्ड और लिख लो लोथ हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी मतलब दिखावा हिपोक्रेसी मतलब दिखावा ही वॉज नॉट टू स्टेम विद द हाइपोक्राइट ही वॉज नॉट टू स्टेम विद द हाइपोक्राइट
जो उमर खयाम है वो हेट करता है दिखावे को, ही वॉज नॉट टू स्टेम विद द हाई प्रोक्रेट, लेकिन वो ज्यादा हार्ड नहीं बिहेव करता था, तो क्योंकि वो पहला सेंटेंस कह रहा है कि वो उसको हाइपोक्रेसी अच्छी नहीं लग, उसको हाइपोक्रेसी है, उससे वो हेट करता है, उससे वो हेट करता है, क्यों हेट करता है, बिकॉज बिकॉज ही वॉज नॉट टू स्टेम, तो ये रीजन रिजल्ट वाली है, तो इसका मतलब होगा ये, ठीक है। तो स्टेम का मतलब होता है मेजर पार्ट, क्या मतलब होता है मेजर पार्ट, कि कोई मुख्य भाग है उसको भी स्टेम बोलते हैं। जैसे अभी सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि वो एबहोर, उसको बहुत दिखावे से बहुत नफरत थी, बिकॉज ही वॉज नॉट टू स्टेम विद द हाइपोक्राइट, कि वो इस वर्ल्ड के साथ में खुश नहीं था, कि जो ये हाइपोक्राइट है उनसे वो चिढ़ता था, जो भी पर्सन जैसा दिखता था वैसा, तो बिकॉज यूज हो सकता है, दैट्स व्हाई ही वॉज नॉट टू स्टेम, दैट्स व्हाई यूज हो सकता है, अभी बताए थे रीजन रिजल्ट वाले कैटेगरी, कि पहला रीजन हो, ये उसका रीजन है कि वो घृणा करता था, और ही वॉज नॉट टू स्टेम विद द हाइपोक्राइट, वो खुश नहीं रहता था या उसको सपोर्टिंग नहीं था किसको, जो दिखावा करते थे वो लोगों को, तो ये रिजल्ट पता कहां से चला कि वो हाइपोक्रेसी को उसको अच्छी नहीं लगती थी, कि दूसरा सेंटेंस से पता चला। ओके नेक्स्ट, पहले एक बार आप भी पढ़ो इस सेंटेंस को, देन आई विल गिव द आंसर। ओके कि चलो अब मैं पढ़ता हूं, आंसर देने की कोशिश करो, कि अवर प्राउडेस्ट टाइटल इज नॉट दैट वी आर द कॉन्टेम्पररीज ऑफ डार्विन, कि हमारा सबसे खुशकिस्मती ये नहीं है कि हम डार्विन के समकालीन है। डार्विन कौन था, साइंटिस्ट, वो गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, कि जिसने ये कहा कि हमारा हमारे पूर्वज बंदर थे, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंकी, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंकी, ऐसा बोला था, तो कि कॉन्टेम्पररी मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम, कॉन्टेम्पररी मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम, कॉन्ट्रेरी और कॉन्टेम्पररी में फर्क है, कॉन्टेम्पररी मतलब समकालीन, मेरे ही टाइम पीरियड का, आप ही के टाइम पीरियड का, तो हमारा प्राउडेस्ट टाइटल ये नहीं है कि हम डार्विन के कॉन्टेम्पररीज है, दैट वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द शेक्सपियर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मतलब एक लिटरेचर के पर्सन के अकॉर्डिंग, एक इंग्लिश ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग, मुझे तो ज्यादा मजा तब आता है कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द शेक्सपियर, कि हम मंकी के अकॉर्डिंग टू द डार्विन वी आर द एवोल्यूशन थ्योरी, पता नहीं किसके पूर्वज कौन थे हमारे पूर्वज, बट जो लिटरेचर इतना अच्छा लिख के गया, जो पोएट्री इतने अच्छे लिख के गया उसके, कि तो यहाँ पे पहला किसी और के बारे में कुछ और बात कर रहा है, दूसरा उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, दूसरी खिलाफ में चल रही है, तो कौन सा आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, कौन सा कंजक्शन आएगा, कॉन्ट्रेडिक्टरी, एंड कॉन्ट्रेडिक्टरी में सबसे पहला बट यूज करके देखो, कि हमारा प्राउडेस्ट टाइटल ये नहीं है कि हम डार्विन के समकालीन है ऑफ द सेम पीरियड, बट दैट वी आर द डिसेंडेंट, लेकिन हमारा तो ये है प्राउडेस्ट टाइटल, वी आर डिसेंडेंट मतलब वंशज, हम किसके बच्चे हैं, शेक्सपियर के, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ही हेनरी ब्रॉडसो न्यू मोर अबाउट द प्रिंटेड बुक्स, यहाँ पे सिंपली कॉम्पेरेटिव कंजक्शन देन एनी मैन लिविंग, करवाया था मैंने पिछले दो तीन दिन में, कि देन यहाँ पे यूज होगा, देन कि हेनरी ब्रॉडसो ऐसा आदमी है जो शायद प्रिंटेड बुक्स के बारे में ज्यादा जानता है इस धरती पे और कोई आदमी से, तो देन एनी मैन लिविंग, ठीक है, ओके, तो सिंपली देन, आर यू इम्पेशेंट विद द लार्क, ही सिंग्स रेदर देन टॉक्स, कि इस बात से तुम ज्यादा परेशान हो कि वो ज्यादा गाने से ज्यादा वो बोलता है, आर यू इम्पेशेंट विद द लार्क, कैसा है, नेगेटिव, ही सिंग्स रेदर देन टॉक, ये भी नेगेटिव, तो ये क्लोज ही सिंग्स रेदर देन टॉक, अगर मैं इसको छिपा लेता हूं तो पता चल रहा है कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, बिल्कुल पता चल रहा है, हाँ पता चल रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज एज यूज कंजक्शन एज यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड क्लोज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्लोज, आर यू इंपेशेंट विद द लार्क, क्या इस बात से परेशान हो, एज ही सिंग्स रेदर देन टॉक्स, वो ज्यादा बोलता है गाने के बजाय, ट्रस्ट द मैन वो हेजिटेट्स इन हिज स्पीच एंड इट्स क्विक एंड स्टडी इन एक्शन, बी अवेयर ऑफ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉन्ग बियर्ड्स,
कहने का मतलब क्या है, पहले सेंटेंस का मतलब समझो, कह क्या रहा है। ऐसे ही आपके देखो लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं ना एग्जाम में और आप मीनिंग नहीं निकाल पाते हो, देन इट्स बिकम डिफिकल्ट, देन इट्स बिकम डिफिकल्ट दैट हाउ टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस दैट ट्रस्ट द मैन हु हेजिटेट्स इन हिज स्पीच, कि उस आदमी पे विश्वास करो जो भले ही अपने स्पीच में जब बोलते टाइम चाहे वो हेजिटेट हो जाए, नो प्रॉब्लम, एंड इज क्विक एंड स्टेडी इन एक्शन, बट वो काम करे तब अच्छा करे, क्विक एंड स्टेडी, जो तेजी से काम करे एंड स्टेडी कंटिन्यूस काम करे। बिहेवियर ऑफ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, जो लंबे भाषण देता हो उससे दूर रहो, एंड लॉन्ग बियर्ड्स, जो मतलब बातों का राजा हो उससे दूर रहो, तो ये एक फ्रेज है, लॉन्ग बियर्ड्स मतलब जो बातों में माहिर हो उससे दूर रहो, लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स वाले दूर से दूर रहो, लेकिन जो आपका बुरे वक्त में साथ दे एक्शन करके उसको उसको हमेशा ट्रस्ट करो। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट द गुड स्पीच, द इम्पोर्टेंट थिंग इज द गुड एक्शन। अच्छी बातें कहना इज ए डिफरेंट थिंग, अच्छी बातों को अमल में लाके उन पे व्यवहार करना इज ए डिफरेंट थिंग। तो ट्रस्ट द मैन हू हेजिटेट्स इन हिज स्पीच एंड क्विक एंड स्टेडी इन एक्शन, ठीक है? तो पहला ट्रस्ट करवा रहा है वो, तो पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा कि नेगेटिव सेंटेंस, बी अवेयर ऑफ, ठीक है? तो क्या ट्रस्ट द मैन हू हेजिटेट इन स्पीच क्विक एंड स्टेडी इन एक्शन बट बी अवेयर ऑफ, तो एंड से भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसका भी सेंस लास्ट में क्या निकलता है, नेगेटिव, और इसका भी क्या निकलता है, द मैन हू हेजिटेट इन स्पीच इज क्विक एंड स्टेडी इन एक्शन, इसका भी एक सेंस क्या निकल रहा है, भले सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एंड बी अवेयर ऑफ लॉन्ग, तो कॉमा के बाद में एंड आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? रिलीजन डज नॉट बेनिश मिथ, कि रिलीजन रिलीजन डज नॉट बेनिश मिथ, बेनिश का मतलब होता है वास अपे वाइप अवे, बेनिश का मतलब होता है, बेनिश का मतलब होता है वॉश अवे, मतलब धो देना, मिटा देना, क्या होता है, धो देना या मिटा देना। और आगे वर्ड है मिर्थ, मिर्थ का मतलब हंसी, मिर्थ का मतलब लाफ्टर, और बेनिस का मतलब होता है टू इरेज, कि धर्म है वो हंसी को मिटाता नहीं है, ओनली मॉडरेट्स एंड सेट रूल्स टू इट, कि असली धर्म वो है जो आपको खुश रहना सिखाता है, असली धर्म वो नहीं है कि जो केवल आपको नॉर्मल बनाए रखे और अपने कठिन रूल्स में रखे, वो असली धर्म नहीं है। तो रिलीजन डज नॉट बेनिश मिर्थ बट ओनली मॉडरेट्स एंड सेट्स रूल्स टू इट, ठीक है? तो ये है पहला, नेगेटिव है लेकिन सेकंड पॉजिटिव सेंटेंस है, तो बट को आप यूज कर सकते हो। ए मैंस रियल करेक्टर विल ऑलवेज बी मोर यूजफुल, मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड एनीवेयर एल्स। आप खुद सोचो पहले कि कौन सा कंजक्शन में लगा सकता हूं, देन आई विल यूज, कि एक आदमी का जो असली चरित्र है विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड, वो अब उसके घर में दिखेगा, उस बाहर नहीं, कि बाहर वो एक दिखावा कर सकता है चरित्र का, बाहर वो आप एक आदमी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकता है, बट हिज हाउ ही इज ट्रीटिंग हिज पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ इज ट्रीटिंग हिज सिबलिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट, देयर हिज करेक्टर इज टेस्ट रियली टेस्टेड, ओके? तो वहां पे पता चलता है कि आदमी है कैसा रियल में। तो आप कहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है ना दो चीजों का, कौन सा कंजक्शन आप यूज करना चाहोगे, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर दिस कंजक्शन विल कम, आई कैन वेट फॉर 5-10 सेकेंड्स। ओके नाउ कैन आई आंसर, ओके नाउ आई आंसर, हियर द कंजक्शन विल बी यूज्ड कि ए मैंस रियल करेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउसहोल्ड देन एनीवेयर एल्स, कंपैरिजन है ना, तो कंपैरिजन में क्या आएगा, देन, कंपैरिजन में क्या आएगा, देन। ग्रैंडफादर वाज ओल्ड एंड ए ग्रे हेयर, ग्रैंडफादर कैसे थे, ओल्ड थे, हेयर ग्रे था, His heart lived with joy whenever little Eli's come fluttering like a butterfly into the room. As his heart lived,
With joy, whenever the little allies come fluttering like a butterfly into the room. ये पोइट्री से लिया गया कि ग्रैंडफादर भले ही ओल्ड हो लेकिन उनका हार्ट लीप मतलब जंप, लीप मतलब जंप, लीप मतलब जंप, लीप मतलब क्या होता है कि वो उनका जब वो रूम में घुसते थे तो उनका हार्ट मतलब धक धक करने लगता था विद द जॉय होगा कि जॉय खुशी से. व्हेनेवर कि जब जब एलाइस आता था, एलाइस कौन है कि मतलब उसका ग्रैंडसन जब आता होगा तो तब तब उनको खुशी होती थी. ठीक है. और फ्लटरिंग का मतलब होता है कोई बहुत भागते हुए से आए तेज गति से, वेरी फास्ट, दैट इज नोन एज फ्लटर, वेरी फास्ट वर्ब है फ्लटरिंग लाइक ए बटरफ्लाई इनटू द. जब जब अक्सर देखा होगा आपने, आपने अपना चाइल्डहुड याद करो कि वेन एवर योर ग्रैंडफादर वाज देयर एंड यू एंटर्ड इनटू हिज रूम कि वो हंसी उनकी चेहरे की खुशी बदल जाती थी जब आप उनके रूम में जाके भागते हुए दौड़ते हुए जाते थे. तो सेम सेंटेंस, एज हिज हार्ट लिव्ड सो हिज हार्ट लिव्ड कैन बी आल्सो देयर बट एज हिज हार्ट लिव्ड इज मोर राइट. ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर. क्या आएगा यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या आएगा. देन आई विल आंसर वेरी सून, आई विल आल्सो आंसर बट फर्स्ट यू टेल मी दैट व्हाट विल कम हियर. देखो सेंटेंस का मतलब समझो पहले कि ही दैट इज स्लो टू एंगर कि जो जिसको गुस्सा नहीं आता इज बेटर, वो हमेशा अच्छा रहता है एक शक्तिशाली आदमी से. सो कभी भी गुस्सा करना ही नहीं चाहिए. वी मस्ट कंट्रोल अवर इमोशंस और अवर इमोशंस एंड दैट इज कि जो तो दो चीजों को कंपेयर किया गया है, एंगर को और पीस को. ठीक है, एंगर को और पीस को कि जिसको गुस्सा बहुत स्लोली आता है वो हमेशा अच्छा होता है. तो बेटर देन कंपेरिजन है ना, बेटर देन द माइटी, वो हमेशा अच्छा ही होता है शक्तिशाली से जिसको गुस्सा लेट से आता है. वी अप्रोच द हाउस वी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक. दो चीज एक साथ हुई है ना, तो एज वी अप्रोच द हाउस कि उसी वक्त जिस समय घर में घुसे वी हर्ड द साउंड ऑफ द म्यूजिक. द रेवाइन वॉज द फुल ऑफ द सैंड नाउ. द रेवाइन वॉज द फुल ऑफ द सैंड नाउ. हाँ, इट हैड वंस बीन फुल ऑफ वाटर. तो रेवाइन क्या होता है कि जो नहर टाइप का, जिसका मतलब जो वेली बोल सकते हो आप रेवाइन को, वेली, वेली जो वेली होती है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है पहाड़ों से काट के बनाई जाती है, वॉज फुल ऑफ सैंड नाउ. अब उस किससे भरी है, पूरी सैंड से. इट हैड वंस बीन फुल ऑफ वाटर, एक समय था जब कि ये इस पूरी वाटर से भरी होती. तो कौन सा यहाँ पे कंजक्शन आएगा, दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ है. अभी नेगेटिव है बट पहले पॉजिटिव थी, बट इट हैड वंस. दूसरा हमेशा जरूरी नहीं है बट यूज करें, ऑल्दो कि कभी दो कि दो इट हैड वंस बिल्कुल ऑफ वाटर. दो, ऑल्दो और बट, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, तीनों का मीनिंग सेम नहीं है. ऑल्दो मतलब फिर भी कभी ऐसा टाइम था, दो हालांकि ऐसा टाइम था, वंस फुल ऑफ वाटर. ओके, सो आज के लिए बहुत है. आई थिंक यू हैव एंजॉयड द क्लास, यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ द थिंग्स. एक्सरसाइज तो ये बहुत बड़ी है लेकिन कल शुरुआत होगी आपके कुछ इस एक्सरसाइज से. कुछ मेंस के मैं पेपर करवाऊंगा कंजक्शन के. यू विल, यू कैन स्टिल इन द क्लास टुमारो ऑल्सो फॉर गेटिंग इट बेटर, और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वेन एवर बी द क्लास you can join it. Okay, so thanks a lot. We'll meet very soon. Okay, I think you have got some new concept, you have got the real examination level, and it would help tomorrow.